मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मेरे यारो, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता है यारो। जो चलेगा उसी, जो जलेगा उसी के दिए में भी उजाला होगा मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की कहानी का एक नया उदाहरण बनते जा रहा है। आज हम एक ऐसा कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको देख देख कर रूब रूब हो जाएगा। आज हम कहानी बताने जा रहे हरिओम सेठानी के, तो सुनिए कहानी। गणित के जादूगर कहे जाने वाले हरिमोहन सेठानी, जिसका गांव तहसील कपकोट जिला बागेश्वर प्रांत कुमाऊं राज्य उत्तराखंड, पिता का नाम गुमान सिंह एठानी जो पेशे से मतलब शिक्षक थे, और माता वसंती एठानी, योग्यता इनका है एमए, और बहुत सारे उपलब्धियां हासिल किए, बहुत सारे रात दिन संघर्ष करते रह गए, इनका बहुत सारा कठिनाई में जिंदगी बीता, जैसा होना चाहिए मतलब कि गरीब परिवार के उस तरह का जीवन में जीकर, और आज भी पूरा वर्ल्ड में, पूरा मतलब कि पूरा देश विदेश में इनका नामों का डंका बज रहा है। तो इन लोग से हम लोग, इस महान व्यक्ति से हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। इनका योग्यता एमए है और यह बहुत इनका मतलब कि योगदान है कि हमारे समाज में बढ़ाने के लिए। सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोग ने अपने जज्बात बदल डाले। अभी कांच का टुकड़ा हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बन जाऊंगा तब पूरा दुनिया देखेगी। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वे सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मुश्किलें मिलेगी आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की कहानी का यही एक ऐसा रहस्य बनेगा आपको, जो आपको दिमाग को डोला देगा। तो सुनिए नेक्स्ट कहानी की। 53 दिनों में या 1260 दिनों में 48,000 मैजिक स्क्वायर लिख डाले और यह गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल हुए, और इनके नामे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनेक वर्ल्ड रिकॉर्डों में इनका नाम दर्ज हुआ। आज इनका प्रमाण पत्र सभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय से अनेक इनका प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। आती है सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो मेरे दोस्तों, अब बुरे को अपनाओ मत। आगे की कहानी आप सुनिए अपने कानों से, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के मोड़ पर। पिता गुमान सिंह एठानी जो पेशे से एक अध्यापक थे, माता बसंती एठानी जो पेशे से गृह कार्य करने वाली थी। इनका योग्यता एमए और इनका सोच हर एक बच्चों को गणित के कठिनाइयों से मुक्त करना, मतलब कि गणित को सूत्र ऐसा इजी कर देना कि बच्चों को दिमाग में रूह रूह में रोम जाए और बच्चा मैथ से डरे नहीं। मैं उपेंद्र सम्राट आरा वाला, आप लोग इनको सहयोग